हाय, ये है स्वाइप कनेक्ट फॉर ई करके। इसका टच स्क्रीन ब्रोकन हुआ है, ये हम चेंज करेंगे। ये नया टच स्क्रीन है, ये हम इसमें फिट करेंगे। फर्स्ट हम ये ओपन करेंगे। इसके लिए पहले बैक कवर निकालना, इधर एक गैप है, वो गैप में नेल डाल के ऊपर खींचा तो बैक कवर आएगा। साइड में से वो लॉक भी है, ये बैक कवर है। अभी बैटरी निकालने के लिए इधर एक गैप है, उसमें नेल डाल के ऊपर खींचा तो बैटरी भी आ जाएगा। अभी 10 स्क्रू हम निकालना है, 6 स्क्रू। फर्स्ट वाला स्क्रू हम निकाल रहे हैं, सेकंड वाला भी निकाल रहे हैं, अभी थर्ड वाला निकाल दिया, फोर्थ वाला निकाल रहे हैं। थर्ड और फोर्थ वाला स्क्रू दोनों अलग अलग स्क्रू है, दो स्क्रू अलग है सेंटर का, चार साइड में सेम स्क्रू। में ब्लेड डाल के सेंटर बॉडी का लॉक ऐसा लूज करना है, एक एक लॉक निकल जाएगा। साइड में ऐसा ब्लेड डाल के ओपन करना है। मिल गया, रेड थोड़ा शार्प कम वाला यूज करना। ये बोर्ड में एक स्क्रू है, वो फर्स्ट वाला स्क्रू हम निकालना है, निकाल दिया। अभी इधर एंटीना, वो ये माइक का वायर है, वो वाइब्रेटर का वायर है, दो वायर नीचे जा रहे हैं, एक माइक का है एक वाइब्रेटर का। ये डिस्प्ले का स्ट्रिप का कनेक्टर निकाल के स्ट्रिप निकालना, ये टच पैड का है। और इधर साइड वॉल्यूम पावर बटन का स्ट्रिप है, वो भी निकालना है। निकालने के बाद ही बोर्ड ऊपर खींचना, नहीं तो वो स्ट्रिप कट हो जाएगा। ये देखो, टच का स्ट्रिप है, वो भी निकाल दिया। ये मदरबोर्ड ऐसे रहेगा। इसके बाद पुराना टच स्क्रीन निकालना है, वो टच स्क्रीन डबल से टैप गम से चिपकाया है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग गम है। इसके लिए थोड़ा टाइम लेके निदान से केयरफुली रिमूव करना है। देखो ऐसा ब्लेड सब जगह पे ब्लेड डाल के लूज करना है। फर्स्ट देखो ऐसा लूज हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग गम है, इतना इजी से नहीं निकाल सकता। चलिए टाइम लाइक है, लूज करना है
ब्लेड थोड़ा शार्प कम वाला यूज करना है, और ये वीडियो का नीचे नहीं तो साइड में भाई मोबाइल रिपेयरिंग ट्यूटोरियल करके रहेगा, उसमें आप क्लिक किया तो डायरेक्ट चैनल में जाएगा। ट्यूटोरियल चैनल में एक रेड कलर सब्सक्राइब बटन है, वो आप क्लिक किया तो आप सब्सक्राइब हो जाएगा। आप सब्सक्राइब हुआ तो ट्यूटोरियल चैनल में नया नया ट्यूटोरियल वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन आएगा। ये देखो ऑलमोस्ट एक साइड का हम निकाल रहे हैं, और चैनल में बहुत वीडियोस है, ट्यूटोरियल वीडियोस देख आप सब देखना और लाइक करना और शेयर करना। तो ऐसा थोड़ा 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 सा गम निकालना है, ये सेकंड शेड का गम निकाल रहा है नीचे का, दो नीचे दो डबल सेटअप है, एक डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले एलसीडी का कॉर्नर में लगाया है, और एक टच स्क्रीन का कॉर्नर में लगाया है। टच स्क्रीन का कॉर्नर वाला फ्रेम में फिक्स हो गया है, और डिस्प्ले का कॉर्नर में डाला वाला टच को डिस्प्ले अटैच हुआ है। इसके लिए देख के ओपन करना है, नहीं तो डिस्प्ले टूट जाएगा। डिस्प्ले ब्रेक नहीं हुआ ना, देखो ऐसा स्लोली लूज करना गम, ऐसा लूज करके निकालना है। तीन शेड में हम लूज करके निकाल दिया है, अभी फोर्थ शेड निकाल रहा है लूज करके, फोर्थ तो ऐसा निकलना है।
ऑलमोस्ट अभी टच स्क्रीन बाहर आया है। टच स्क्रीन मिल गया। अभी तो ब्रकनोवा वाला पीसेस है उसमें, वो भी हम निकालना है। देखो डिस्प्ले निकाल दिया, वो ब्रोकन हुआ वाला ग्लास पीसेस है, वो भी देख के केयरफुली निकालना है। उसके बाद ये डबल से टैप सब हम क्लीन करना है, निकालना है। ये सब नया टच स्क्रीन में रहेगा। वो ऑलमोस्ट पुराना डबल साइड टैप सब हम निकाल दिया। अभी अच्छा से क्लीन करके वीएलसीडी लगाना है, थोड़ा क्लीन करना है। क्लीन करके एलसीडी डिस्प्ले फ्रेम के अंदर, फ्रेम नहीं तो ब्रैकेट बोलते हैं उसको, उसके अंदर बिठाना है। बिठा दिए। उसके बाद नया टच स्क्रीन, इसका नीचे साइड में स्टिकर निकालना है। उसके बाद चिपन है, ये स्टिपन अंदर डाला डाल के ऐसा पोजीशन देख के पैकेट का अंदर ही बिठाना है। चिपा दिया। बोर्ड फिट करना है, मदरबोर्ड ये डिस्प्ले का स्ट्रिप लगा रहे, एलसीडी का स्ट्रिप, बाद टच का स्ट्रिप वो भी लगा रहे हैं। बोर्ड का लॉक सब बिठाना है। बोर्ड में एक स्क्रू था, वो स्क्रू भी लगाया तो अच्छा रहेगा। हम ऑन करके देखेंगे।
ऑन हो गया स्वाइप करके आया। कनेक्ट कनेक्ट और को रहे फिट करेंगे। ये वॉल्यूम बटन है, माइक और वाइब्रेटर वो फर्स्ट लगाना है। वायर सब उसका वो गैप है, वो वायर लगाने का वो गैप में ही लगाना है, नहीं तो उस अंडर बॉडी का फिट करने के टाइम बराबर फिट नहीं होता। पैनल लगाना है, सेंटर पैनल, मिडिल बॉडी, वो सब ब्लॉक सब बराबर। वॉल्यूम का वो बटन बाहर गिर रहा है, ऐसा प्रेस किया तो लॉक हो जाएगा सब सेंटर वो सेंटर पैनल का। इसके बाद स्क्रू लगाना है, स्क्रू सेंटर का दो स्क्रू अलग है, साइड में चार चार स्क्रू सेम स्क्रू है, देख के लगाना है। दिखने में सेम ही लगता है बट थोड़ा डिफरेंट है, वो सेंटर का स्क्रू साइड में लगता नहीं। अभी बैटरी डाल दिया, बैक कवर भी डाल दिया, एको टच डाल दिया। ओके बाय बाय।